ब्रेड का कचौड़ी इस तरह से बनाए, कुट्टू के आटे और आलू से, बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। नमस्कार फ्रेंड, इंडियन शेफ में आपका स्वागत है। आज की हमारी रेसिपी है ब्रेड की, जो यहाँ पर हमने चार आलू ले लिए हैं। आलू को हमने बॉयल कर लिया है, बॉयल करके इसको हमने छील लिया है। आलू को मैश कर लेते हैं। यहाँ पर हम काटा लिए हैं, जिसे हम मैगी खाते हैं उसी काटे से हम आलू को मैश कर रहे हैं। ऐसे ही सारे आलूओं को हम मैश कर लेंगे। यहाँ पर हम कुट्टू का आटा ले रहे हैं, थाली के अंदर हम छान लेंगे कुट्टू के आटा को, सारे आटे को छान लेंगे। ऐसे ही हरी मिर्च डाल देंगे, चार हरी मिर्च को हमने कट करके ले लिया है। यहाँ पर धनिया पत्ता डाल देंगे बारीक कटा हुआ, आधा टेबल स्पून से कम जीरा डालेंगे, साबुत जीरा डाल रहे हैं। आप यहाँ पर पाउडर भी डाल सकते हो जीरा का, आधा टेबल स्पून यहाँ पर काली मिर्च पाउडर डाल रहे हैं, व्रत का है। स्वाद अनुसार हम नमक डाल रहे हैं, सेना नमक है, ये व्रत वाला नमक है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हाथों से हम मिक्स कर रहे हैं, ये आलू और जो हमने कुट्टू का आटा लिया है इसका अच्छे से हमने आटा लगा लिया है मिक्स कर लेकर, और इसको अब हम इकट्ठा रख लेंगे। ऐसे ही गैस को जला लेंगे, कढ़ाई रखेंगे, कढ़ाई को थोड़ा गर्म होने देंगे। कढ़ाई के अंदर यहाँ हम देसी घी डाल रहे हैं, व्रत का है ये कचौड़ी। आप जो तेल खाते हो आप यूज कर सकते हो। जब तक हमारा तेल या घी गर्म हो रहा है तब तक हम कचौड़ियों को बना लेते हैं। यहाँ कटोरी में हमने थोड़ा सा पानी लिया है, हथेलियों पे लगा लेंगे और थोड़ा सा डो निकालेंगे जो हमने ये कुट्टू का आटा और आलू से बनाया है। ऐसे करते हुए हम ऐसे चिपटा कर लेंगे। घी गर्म हो गया यहाँ पर, अब यहाँ हम कचौड़ियों को डाल देंगे एक एक करके घी के अंदर, और गैस को हम मीडियम ही रखेंगे। कचौड़ियों को पलट लेंगे एक एक करके, ऐसे सारे कचौड़ियों को पलट लेंगे। कचौड़ियों को बाहर निकाल लेते हैं, ये मेरी कचौड़ियाँ सिक चुकी है। ऐसे ही बाहर निकाल लेंगे घी निचोड़ कर। जो बची है हमारी कचौड़ियाँ उसको हम डाल देते हैं घी के अंदर, इसको भी तल लेते हैं। साथ में हमने यहाँ पर रायता बना रहे हैं, यहाँ पर दही को हमने फेंट लिया है ऐसे करके, स्पून से ही फेंटा है। और यहाँ पर हमने खीरा कद्दूकस कर लिया है, जो खीरा वाला ये रायता है, और साथ में ही हरी मिर्च कट कर लिया है। व्रत का है इसलिए इसमें हम लाल मिर्च पाउडर नहीं ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, और इसमें हम थोड़ा सा सेना नमक डाल देंगे, इसके अंदर डाल के मिक्स कर लेंगे। स्वादानुसार डाल रहे हैं, ज़्यादा हमें नहीं लेना है सेना नमक। मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर रायता मेरा बनके तैयार हो गया है। साथ में हम कचौड़ियों को भी रख लेंगे। कितनी देखो प्यारी प्यारी कचौड़ियाँ बनी है हमारी, ये बहुत ही क्रंची और है ये हमारी कचौड़ियाँ कुट्टू के आटे और आलू से, देखने में भी बहुत स्वादिष्ट लग रहा है ये। मेरी कचौड़ियाँ कुछ ऐसी बनी है, बिल्कुल ही क्रिस्पी बनी है। अगर हमारी एक व्रत की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।